सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम और बात ऐसी है कि टाइम मैनेजमेंट का बाजा जो है बहुत लोग बजाते हैं। बाजा बजाने वाले तो बहुत होते हैं पर बाजे की धुन पे नाचने वाले लोग कितने हैं वो थोड़े से कम हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के टिप्स के बारे में। हम देखेंगे ये टाइम यहाँ पे कैसे मैनेज किया जाए। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे बोलते हैं, यार आप जॉब करते हो, दो यूट्यूब चैनल है, अभी वो BTC स्कूल है, साथ में कोर्स करना है, साथ में ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये वो, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो। बहुत सारे लोगों ने बोला लाइक, सो प्रोबेबली आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ दोज सीक्रेट्स विद यू गाइस। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि टाइम को अच्छे से मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो टाइम अच्छे से अगर मैनेज कर लो तो दो तीन चीज़ें होती हैं मच मोर। सो आप सोचोगे यार टाइम मैनेज कर लिया अच्छे से क्या होगा, काम ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा। और पॉइंट इज, टाइम अच्छे से अगर मैनेज कर लो तो ना ही आप ज़्यादा काम कर पाओगे, विच इज़ वन, आप ज़्यादा फ्री टाइम, ज़्यादा मज़ा मार पाओगे, ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे सीखने के लिए, ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे अपनी फैमिली के लिए, ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे और जो भी आपको अनशन चीज़ें करनी है हर चीज़ के लिए, राइट, समझ रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है। एंड ये सब का फ़ायदा क्या होता है, मेंटल पीस, ओ एकदम शांत लाइफ, जिंदगी बिल्कुल राइट, वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर वन गाइस, आई नो घिसा पिटा टॉपिक है बट सुबह जल्दी उठने का। नाउ क्या मैं ये टिप हमेशा मानता हूँ? नॉट रियली। बहुत बार होता है मैं लेट उठता हूँ, लेट मतलब मीटिंग से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, दैट डिपेंड्स अगर मैं रात को ज़्यादा काम किया है तो मैंने ये चीज़ फ्लेक्सिबल रखी है। बहुत सारे लोग रोज सुबह 5 बजे उठना है, मतलब 5 बजे उठना है, मैं मॉर्निंग पर्सन, मेरा ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, कभी कभी इवनिंग पर्सन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो, बट ट्राई टू गेट सम एक्स्ट्रा टाइम सुबह। यूजुअली एक फ़ायदा ये है कि सुबह जो लोगों का डिस्टर्बेंस है वो कंपैरेटिवली कम रहा है। रात को भी ठीक है बट रात को भी मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के आता है। अब आप बोलोगे यार मैं तो 9 बजे उठता हूँ, अब आप बोल रहे हो 5 बजे उठो, नहीं मैं बोल रहा हूँ आप जितने बजे भी उठते हो उससे 15 मिनट पहले उठो, एक महीना या एक हफ्ता आप 15 मिनट पहले उठो। तो अगर आप 8 बजे उठते हो, गो फॉर 1 वीक एट 7:45, नेक्स्ट वीक एट 7:30, नेक्स्ट वीक 7:15, नेक्स्ट वीक 7, तो आपको एक महीना लगेगा एक घंटा पहले आने में। अब ये जो एक घंटा एक्स्ट्रा आ गया ना, इसमें भंगड़ा कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। मैं बहुत बार ऐसे जब मैं जल्दी उठता हूँ, बहुत बार आई डोंट नीड दैट स्ट्रेस, एकदम उठे और भाग दौड़ में आ गए, राइट, मेरे को क्या चाहिए, चाय, बाहर जाने का, बैल्कनी बैठने का, पेड़ पौधे देखने का, पंछी चहचहा रहे हैं देखने का, थोड़ा सा रिलैक्स करने का, एंड देन यू स्लोली स्टार्ट एंड थिंक एंड स्टार्ट योर वर्क डे। वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15-20 मिनट आधा घंटा जल्दी उठने का फ़ायदा बहुत है। जल्दी उठ गए, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा सीख सकते हो। मैंने आज ही ट्वीट भी डाला है कि जितना ज़्यादा आप सीखोगे या दिन का अगर आप एक घंटा भी दे सकते हो बेसिकली एक्स्ट्रा लर्निंग को, तो आपकी अर्निंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी बट अपने करियर में, अपने फील्ड में आप टॉप 10% के लोगों में आ सकते हो जस्ट बाय गिविंग 1 एक्स्ट्रा आवर टू लर्निंग, दैट इन द मॉर्निंग कैन बी योर आवर। नंबर 2 गाइस इज टेकिंग ब्रेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना। नाउ पीठ दुखती है वगैरह और तब ब्रेक लिया इज डिफरेंट, आप एक घंटा या 2 घंटे का टाइम स्लॉट रख सकते हो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा शोल्डर वोल्डर स्ट्रेच करो, थोड़ा देखो क्या चल रहा है इधर उधर, थोड़ा यूट्यूब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बात सिर्फ ऐसी है कि जब आप काम कर रहे हो ना, आपको उससे मेंटल ब्रेक लेना है। एंड आप नोटिस करोगे, आप जितनी, इनफैक्ट जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं हिस्ट्री में, पास्ट में, वो सारी डिस्कवरीज में से एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकली है। आप नोटिस करो वो सारी की सारी तब हुई हैं जब जिस भी बंदे ने वो डिस्कवरी की वो बहुत ऐसे घुस के काम कर रहा था, पूरा उसने सारा काम कर लिया बट उसको आंसर नहीं मिल रहा था, आंसर नहीं मिल रहा था, फिर चिढ़ गया, सब फेंक दिया, नहीं करूंगा काम, घूमने जाता हूँ, घूमने गया, नहाने गया, यूरेका, घूमने गया, नीचे जाके सो गया पेड़ के नीचे, सर पे गिरा एप्पल, यूरेका, क्या है ये। हम अपने माइंड को जब उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं, व्हाट हैपेंस इज हम फ्रीली उस इन्फॉर्मेशन को जो हमने डाली है, इतनी सारी चीज़ें डाली है, उनमें डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। बट जब हम ब्रेक लेते हैं, जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, जब हमारे ब्रेन के ऊपर से सोचने का लोड कम होता है, तब हमें चीज़ें जो है बिग पिक्चर से दिखने लगती हैं।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है डिटेल बिग पिक्चर, डिटेल बिग पिक्चर में जाएं। आप कंपनीज के सीईओस को देखोगे, वो काफी बार ऐसा रहते हैं एकदम अंदर रहते हैं, देन उसके काफी लंबा टाइम वो बिग पिक्चर देखते हैं कंपनी की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहां क्या ट्वीक करना है, क्या कनेक्ट हो रहा है क्या डिसकनेक्ट हो रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। ब्रेक्स आपको ये सारी चीजें करने पे एनेबल करती है। सो अब मुझे पता नहीं किसने बोला है, बट ये किसी ने तो बोला है कि अगर मेरे को एक दिन में मेरे टास्क में ये होगा कि मुझे जो है फ्रॉग खाना है, मेंढक खाना है, तो मैं उठते सार सबसे पहली चीज़ जो करूँगा मेंढक खा लूँगा, बात ख़त्म करूँगा। इसका क्या मतलब है, ईट दैट फ्रॉग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो सबसे मुश्किल टास्क है, जो सबसे ज़्यादा ओवरलोड वाला टास्क है, उसको सबसे पहले अकम्प्लिश कर लो। What that does is, वो आपका पूरा का पूरा दिन मेंटल प्रेशर फ्री कर देता है। आप नोटिस करोगे जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको शाम तक टाल रहे हो तो शाम तक आते आते ना ब्रेन पे स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाता है, दिमाग दुखने लगता है, सर तो छोड़ो दिमाग ही दुखने लगता है, राइट? यार ये पढ़ा है, शिट, कितना टाइम लग जाएगा, ओ डिनर मिस हो जाएगा, ओ ये ओ वो, एंड पूरा सिचुएशन खराब हो जाता है। रैदर अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ है उसको आप सुबह उठते ही रिकॉर्ड कर लो वीडियो, जैसे मेरे केस में क्या है वीडियो ज़्यादा लेती है टाइम, तो फॉर मी जब मैं सुबह उठते वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मेक्स मोर सेंस। अभी क्या सुबह और ये नहीं है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, बट ठीक है यार काम चला लेते हैं अपन। तो मैं अगर चाहूं, मैं जब सुबह रिकॉर्ड करता हूं दैट वर्क्स बेटर फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है कि यार वीडियोज़ के टाइम पे मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो तो है ही है, बट वो स्क्रिप्ट आई डोंट फॉलो, वो स्क्रिप्ट आउटलाइन पॉइंट्स के हिसाब से होती है, मुझे बोलना जो है वो तो सोचना ही पड़ता है, राइट? तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर टास्क जो थोड़े से ऑटोमेटेड होंगे या जिनका प्लान पहले से बना होगा, राइट? सो इट मेक्स इट ईजियर। अगर मुझे कुछ सबमिट करना है, कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करना है, किसी तरह का जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है पार्टनरशिप जैसे ज़ायनवर्स के लिए, राइट? तो दैट हैपन्स डे लाइक राइट एट डे ब्रेक, जब मैं जैसे उठता हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। तो पहले मुश्किल काम, आसान काम बाकी के टाइम के लिए छोड़ दो। तो नंबर गाइस, नंबर चार इज़ अपना फ़ोन, चाहे तो उसको जो है साइलेंट पे लगा दो। मेरे दोनों फ़ोन सारा टाइम साइलेंट पे रहते हैं, बहुत रेयरली होता है, मतलब मैंने अगर स्विगी विगी से कुछ ऑर्डर किया है तो मुझे पता है कि मैं इधर उधर थोड़ा सा काम में बिजी होऊंगा, मुझे पता नहीं लगेगा, तो तब मैं उतना टाइम आधा घंटा उसको जनरल करके रखता हूँ जब मुझे पता है कि हाँ स्विगी वाला नहीं आना है। बट उसके अलावा फ़ोन साइलेंट पे रहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिफिकेशन जो है काम के टाइम पे काम करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फोकस आप मेंटेन करो। प्लस आप अगर छोटे छोटे ब्रेक्स लोगे ना तो बार बार फ़ोन चेक करने का मन नहीं करेगा, राइट? आप काम कर रहे हो, आपको पता है ब्रेक होनी है, ब्रेक में देख लेते हैं, कोई नहीं यार 5 मिनट, कौन सा दुनिया जा रही है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट फ़ोन नहीं देखा तो पूरी दुनिया खत्म हो गई, राइट? तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आप फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहें, नोटिफिकेशन से जो है थोड़ा सा दूर रहें, आप बेटर काम कर पाएंगे। गाइस टिप नंबर 5 है आइजनहावर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ एन अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स। सो बहुत सारी टास्क ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं होती। क्या मतलब अभी होने की ज़रूरत है बट उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्तन धोने हैं, राइट? नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ योर वर्क बट अर्जेंट है, येस। लंच के लिए बर्तन नहीं मिलेंगे, डिनर के लिए बर्तन नहीं मिलेंगे, खाना कैसे खाओगे, है ना? वो वाला एक एंगल आप लगा सकते हो। तो अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, तो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज यूजुअली प्रायोरिटी 1। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी की अभी करना है, राइट? सो दैट वेरी वेल कुड बी कि आप कॉलेज में हो और आपकी एक असाइनमेंट है जो अभी दोपहर को 1 बजे ड्यू है, राइट? वो अर्जेंट भी हो गई और इंपॉर्टेंट भी हो गई, क्योंकि मान लो आपकी फाइनल्स की असाइनमेंट है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, राइट? कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ अर्जेंट होंगी, इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी बट अर्जेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 5 या 6 स्क्रिप्ट जो है तैयार हैं, मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए हैं वीडियोज, राइट? तो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं और वीडियोज रिकॉर्ड करूँ, बट दैट इज़ नॉट अर्जेंट। तो मैं उनको 3 दिन या 4 दिन के बाद भी पिक कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इंपॉर्टेंट जो जरूरी टास्क हैं जो आपको करने हैं, उनको अर्जेंट वर्सेज इंपॉर्टेंट के मैट्रिक्स में डालो तो आपको समझ में आ जाएगा पहले क्या उठाना है, दूसरा क्या उठाना है, तीसरा क्या उठाना है। एंड लास्ट गाइस, इट्स नॉट रियली अ टिप बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो, ये सारी चीज़ों को एक ही बार में, एक ही हफ्ते में, सेम टाइम पे इंप्लीमेंट मत करें, इनको ब्रेक करें छोटा छोटा करके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, सस्टेन कर पाना मुश्किल होता है। आप डाइट देख लो, लोग डाइट करते हैं, जब कोई बंदा है जो रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, 6 पराठे खाता है, एंड वो चावल रोटी बिल्कुल बंद कर दे,
कितना टाइम झेल पाएगा, 10 दिन 15 दिन, कभी तो फटेगा ना। तो वो एंगल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारी टिप्स को थोड़ा थोड़ा करके, तोड़ तोड़ के पार्ट्स में अप्लाई करना है। यू शुड नॉट बी अप्लाइंग दीज एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ओवरवेलम एक क्रिएट करता है, एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनको हम कैरी कर पाएं ये मुश्किल हो जाता है। हमें क्या करना है, ये चीज़ों को स्टार्ट करना है एंड सालों साल कंटिन्यू करना है। तो सालों साल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करो, यू विल बी मच बेटर ऑफ देन इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दिस एट वंस। डू लेट मी नो ये टिप्स आपको कैसी लगी, इसमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी है वो भी नीचे मुझे जो है कमेंट्स में बताएं। एंड एज ऑलवेज गाइज, लाइक बटन मुक्का मारना मत भूलें, एंड अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दिस इज शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में।